मुंडी बचा के। सो यार यहाँ पे जो लाडांग रोड है वो आप देख सकते हैं कि हद तक यहाँ पर बन चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर एक काम चल रहा है, डे नाइट यहाँ पे काम चलता है, काफ़ी स्पीड से यहाँ पे काम चल रहा है। और ये काफ़ी बढ़िया बात है, पिछली बार जब हम आए थे आपने देखा होगा मेरा पिछला वीडियो लाडांग का, उस टाइम पर ऐसे कुछ हालात थे जैसे आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का था। तो कहीं कहीं पर रोड बन गई है और कहीं कहीं पर बननी बाकी है, देख रहे होंगे आप। हाँ उधर से भी बन रही है ना, हाँ। तो कुछ इस तरीके की ये रोड है और ये जो पूरा जंगल है आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि राजा जी नेशनल पार्क के अंदर आता है। और काफ़ी मतलब इस रास्ते से काफ़ी शॉर्ट हो जाता है हमारा जो सफ़र होता है हरिद्वार का देहरादून का, पूरा लगभग आधे से पौने घंटा हमारा बसता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं धूल ही धूल, कतई धूल यहाँ पे उड़ती हुई, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पे तक था थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता और आप देख रहे होंगे मेरे सामने यहाँ पे, यहाँ से शुरू हो चुका है काम, काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये देखिए ज़बरदस्त लाडांग की रोड जिसकी मांग काफ़ी सालों से, काफ़ी वर्षों से इसकी मांग की जा रही थी, तो फाइनली बन चुकी है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हाँ उतारनी तो पड़ेगी मेरे भाई, वो बोलेगा मैं पहले चढ़ूँगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी टाइम बाद मैं इधर को आ रहा हूँ, सुना तो था मैंने कि रोड बन चुकी है, बट अभी इतना इतनी खुशी मिल रही है ना ये रोड देख के कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये देख सीधे गाड़ी ऊपर आ रहे हैं ना, गाड़ी ऐसे स्लिप करेगी, बहुत सही हो गया रोड, वाह। गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे सिकड्डी स्रोत पे, जो स्रोत का काफ़ी जिक्र होता है, काफ़ी तबाही मचाता है ये स्रोत। आप सामने देख रहे होंगे ब्रिज बन रहा था पहले, उसके बाद बरसात शुरू हो गई तो बरसात शुरू होने के बाद काम रुक गया था, बट अभी उनका मेन फोकस क्या है कि मेन फोकस रोड पे है। तो इसी रोड, आप रोड की हालत देख सकते हैं यहाँ पर, जिसे बोलते हैं पूरा दलदल मचा रहा था, हाँ पूरा रास्ता एकदम दलदल भरा है, इतनी रेत है मैं क्या ही बताऊँ। पहले सीधा सीधा रास्ता था, अभी काट के बनाया इसने ये मिट्टी, यस हाँ। तो बस यही है इस रास्ते में, हैं तो कैसा हो गया या वो जो लकड़ी वाला पुल हुआ करता था, हाँ जैसे वहाँ पे घुमाया हुआ था वैसे ये यहाँ पे घुमा दिया। बस सही है, पहले रोड पर ध्यान दे रहे हैं, पहले रोड बना रहे हैं, वो काफ़ी सही चीज़ है। अभी क्या है कि सर्दियों में पुल का काम भी चालू होगा और रास्ता यहाँ पे काफ़ी खतरनाक है। हैं क्या रास्ते बदल देने, हाँ पहले घर से पैसे देने जी दादा, फुल दल दल बोल के मतलब तेरे को पता क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसका, वो खाली होल्डर नहीं गोरे लबे यूज़ कैसे करेगा तू, और ये बैंक एक रबड़ ले लियो, रबड़ से हो जाएगा। मैंने उसका वो रखा हुआ है, देख सही हुआ मैंने रख लिया, हाँ ठोक पूछ लिया है कैसे ला रहा है, किनारे से निकाला था तो बस पहले ही मेरा वो टकर गया, मेरा वो टकर जाता है यार नीचे यहाँ पे, क्या साइलेंस पे टकर गया, साइलेंस तो यार जब आप लालडांग को आएंगे तो यहाँ पे से एक रास्ता कटता है यहाँ से लेफ्ट के लिए जहाँ को अभी हम ले रहे, तो आपको भी इधर को ही जाना है, आपकी इच्छा है, मतलब अगर आप लालडांग देखने के शौकीन हैं, लालडांग मार्केट अगर आप लोग देखना चाहें, ओहो क्या ही नज़ारे, सूर्यदेव यहाँ पर आँखों में रोशनी डालते हुए हमारे, हाँ वो कहते हैं कि नहीं बाबा तुम अंधे हो जाओ। तो ये रास्ता है, थोड़ा सा यहाँ पर नदी पड़ेगी बीच में, आप यहाँ से ले सकते हैं इस रास्ते को जो आपको सीधे लालडांग मार्केट से बिल्कुल आगे को छोड़ेगी, दिखाते हैं आपको, काफ़ी अच्छा रास्ता है, मतलब बीच में गांव पड़ते हैं, खेत पड़ते हैं और काफ़ी सही है। यहाँ पर लेफ्ट में एक मंदिर भी है छोटा सा जयपुर।
सब चीज़ें होती हैं। और आगे आप देख रहे होंगे सूर्यदेव, मतलब कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये मेरा समय है, हाँ ये मेरा समय है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ही बगल में, और हमने यहाँ से ले लिया है शॉर्टकट। चलिए बढ़ते आगे के लिए। बकरियाँ यहाँ पे चल रही हैं, कर रही हैं अपने रात का जुगाड़। पता इनको खाना ज़्यादा देर पछता नहीं है, चापट निकाल देते हैं, तुरंत खाते हैं तुरंत हक देते हैं, चापट निकाल देते हैं। या इनका जल्दी डाइजेस्ट होता है बोलना। हाँ ये सही बन गया ना यहाँ पर। ये पिछली बार जब मैं आया था ये थी नहीं, ये रोड तब थी नहीं कहते रहते पे। मैं आ चुका हूँ, मैं तो बहुत बाद में आ रहा हूँ, मैं दो तीन बार चला गया ना तेरा। हाँ काफ़ी सही हो गया यहाँ पर रास्ता, क्या ही बोलें, अच्छा है। प्रगतिशील भारत अब पूरा ऐसी है, पूरा हाँ एंड तक ना ना, वो जो जहाँ से पक्का रास्ता शुरू होता है वहाँ तक, पक्का रास्ता पता है ना कहाँ पे, हाँ वहाँ तक ऐसी सही है। तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे इससे, पूरा ही लाल लांग इस बार बहुत जल्दी आए हम। जहाँ रोड नहीं थी वहाँ रोड पड़ा होता अच्छा। माननीय विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये रोड बनाई है, काफ़ी अच्छा काम किया आपने, अच्छा काम। अच्छा हमारे सिखा रहे हो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आ रही है अभी मेरे माइक पे कि बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं आप तक आवाज़ आ रही नहीं आ रही, आवाज़ कट रही होगी शायद से। हाँ आ गया। तो जब आएंगे आपको पूरा सीधा नहीं जाना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, ये ट्यूबवेल आप देख लीजिए, ये ट्यूबवेल आपको दिख जाएगा, यहाँ से लेफ्ट लेना है और आगे यहाँ पर आती हुई क्या ही नज़ारे हैं। तो अभी दिक्कत ये हो गई है कि आगे से आ रही है बैलगाड़ी, तो उसको हम पहले रास्ता देंगे, निकल जाएगी निकल जाएगी, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये चीज़ें अक्सर अगर आप किसी गांव या मोहल्ले से गुजरते हैं तो आपको मतलब ये चीज़ें होती है ना। अब वाहन तो है नहीं कि भाई पैक कर लिया, बैलगाड़ी है इसलिए हमने पीछे लेनी पड़ी, पर कोई बात नहीं। आप नज़ारे देखिए, गांव के बीच से सड़क निकल रही है, इतनी ही प्यारी लग रही है, और यहाँ पर धान वगैरह कटे हुए हैं, और ये देखिए गन्ने के खेत, समझ रहे हो दोस्तों।